सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को या सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर भी टच कर दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आपके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप इस जानकारी के बिना अपना नुकसान भी कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी पूरे भारत की जो उनकी 1200 जो शाखाएं थी उनके नाम भी बदल दिए हैं और उनके IFSC कोड भी बदल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत में जितनी भी उनकी SBI बैंक की जो 1200 जो शाखाएं या ब्रांच जो थी उनका उन्होंने नाम भी बदल दिया है और उसके साथ साथ उनके IFSC कोड भी बदल दिए हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर हम कभी भी किसी से अगर पैसा ट्रांसफ़र करवाते हैं अपने अकाउंट में तो हमें अपने ब्रांच का नाम और हमें अपना IFSC कोड का भी पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद ही हम ऑनलाइन बैंकिंग या किसी से भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक उन अगर नंबर को ही यूज़ करते रहेंगे तो आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप किस तरह से अपने नए ब्रांच का नाम और अपने ब्रांच के IFSC कोड को आप देख सकते हैं और उसका आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ अभी हाल ही में आई है कि SBI ने, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, भोपाल, बेंगलुरु, हैदराबाद और बिहार जैसे कई पूरे स्टेट्स जो इंडिया के स्टेट्स हैं अलग अलग, तो उनमें 1200 टोटल ब्रांच की नाम और उनके IFSC कोड चेंज कर दिए हैं। देखिए मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ। देखिए मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है और आप डरिए मत, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक भी दूंगा जिसमें आप क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। देखिए ये पूरे उन 1200 ब्रांच के नाम हैं जो उन्होंने अब चेंज कर दिए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इसमें किस तरह से ये सर्च कर सकते हैं। देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल है, मतलब ABCDE करके आपको नाम यहाँ पर मिलेंगे। जैसे पहले A से स्टार्ट है तो यहाँ पर अहमदाबाद वगैरह का ये नाम है। ये देखिए पुरानी ब्रांच का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, नेम ऑफ ओल्ड ब्रांच। उसके आगे आप देखेंगे तो जो ब्रांच के कोड थे ये आपको दिख रहा होगा, ओल्ड ब्रांच कोड, ओल्ड ब्रांच IFSC कोड। तो इसी की तरह आप आगे देखेंगे तो देखिए आप नेम ऑफ न्यू ब्रांच, मतलब नाम जो है ब्रांच का भी नाम यहाँ पर आपको मिलेगा और उसके साथ ही आपको ब्रांच का कोड और ब्रांच का IFSC कोड भी यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहाँ से आप अपनी ब्रांच का नया नाम या नया कोड जो भी होगा वो आप देख सकते हैं। और अगर इस लिस्ट में आपकी ब्रांच का नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी ब्रांच का नाम और IFSC कोड चेंज नहीं हुआ होगा। देखिए अब जैसे ये A से स्टार्ट था उसी तरह से BCD आप यहाँ पर लिस्ट में देख सकते हैं। ये देखिए ये 39 पेजेस की लिस्ट है। देखिए B से स्टार्ट हो गया है, उसी तरह से आगे फिर C आ जाएगा, उसके बाद फिर D आ जाएगा। देखिए ये C से स्टार्ट हो गया है, चंडीगढ़ वगैरह का यहाँ पर दिखाया गया है इसमें, तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो ABCD करके आप अपने हिसाब से आप इसको सर्च कर लीजिएगा। देखिए दिल्ली का है, दिल्ली में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये पुराना ब्रांच है जो भी है ये, और उसके आगे आपको ये पुरानी ब्रांच का कोड और पुराना IFSC कोड, उसके बाद आपको ये न्यू ब्रांच, ये देखिए न्यू ब्रांच आपको दिख रही होगी, उसके बाद इनका न्यू ब्रांच का कोड और यहाँ पर आपको न्यू ब्रांच का IFSC कोड। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिना IFSC कोड और ब्रांच के नाम के बिना आप किसी भी तरह का ऑनलाइन मनी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि कभी भी हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसमें IFSC कोड देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप गलती से किसी और के उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा वो, क्योंकि आपकी ब्रांच का IFSC कोड जो है अब वो चेंज हो चुका है। तो आप इस लिस्ट में ये पता कर सकते हैं कि किस तरह से, मतलब आपका क्या नाम, जो भी ब्रांच का नाम था वो क्या हो गया है अब और IFSC कोड चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप इस लिस्ट में आपकी ब्रांच का नाम नहीं है तो इसका मतलब कि आपकी ब्रांच का नाम जो है वो चेंज नहीं हुआ है और उनका IFSC कोड भी चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, देखिए आपको यहाँ पर दिल्ली नज़र आ रहा है तो यहाँ पर ये दिल्ली रीजन के ही नाम है, और लेकिन इसके नीचे आपको न्यू दिल्ली का भी एक लिस्ट और है जो कि N से स्टार्ट होगी, तो आप वहाँ पर भी जाके N से भी आप देख लीजिए अगर आप न्यू दिल्ली में रहने वाले हैं तो। तो उसी तरह से आप अपने सिटी या स्टेट जो भी हैं वहाँ पे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, उनके पुराने जो भी ओल्ड ब्रांच के जो भी नाम थे और उनका IFSC कोड वगैरह, इस तरह से आप इसको मिला लीजिए और अपना देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपके लिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1200 ब्रांच के ब्रांच कोड, ब्रांच नेम और IFSC कोड को चेंज कर दिया है, और अपने नए ब्रांच कोड और IFSC कोड को आप किस तरह से देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया।
तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके इस लिस्ट को देख सकते हैं और अपने ब्रांच कोड और अपने नए IFSC कोड को आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ये लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।